brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे तो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके 30 में से ही 2-4-5 गायब हो जाए और साइन ना कर पाए। आपको पता ही है मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, लगभग 6 विधायकों को मान के चलता हूँ हमारे साथ। मैं घोघड़ीपुर गांव में आया हूँ, कल भी मैंने 4 बूथों पर जा करके और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टोर भी किया है, कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे तो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है, ये काम हमारा है, हमारी पार्टी का, पार्टी के नेतृत्व का है और संविधान में कहीं किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है कि कौन आदमी कब तक प्रधानमंत्री रहेगा। और मान लो अमित शाह जी से भी आप पूछेंगे तो अमित शाह जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार भी रहेंगे और प्रभु करे अगली बार भी आगे प्रधानमंत्री। प्रभारियों की रिपोर्ट गई है रोहतक और सिरसा में कड़ी फाइट। देखिए ये चीजें इंटरनली कहां से क्या रिपोर्ट जाती है, मेरे पास तो जनता की रिपोर्ट है क्योंकि मैं 90 की 90 विधानसभा में लगभग होके आ गया हूँ, कहीं मैं गया हूँ, कहीं मुख्यमंत्री गए हैं और अभी भी जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग स्पेशली बुलाते हैं तभी मैं जाता हूँ। हमारी हर लोकसभा में कहीं कम ज्यादा मार्जिन तो हो सकता है लेकिन हम सब के सब जीतेंगे, ऐसा मेरा। दीपक बाबरिया हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि विधायकों का प्रदर्शन करना चाहिए राज्यपाल के आगे की पूरे करना ही चाहिए, उनको करना ही चाहिए। उनसे पहले हमने यानी राज्यपाल जी ने तो लिस्ट मांगी, वो लिस्ट देने में ही कतरा रहे हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके 30 में से ही 2-4-5 गायब हो जाए और साइन ना कर पाए। जेजेपी की भगदड़ तो आपने देखी ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते, अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को प्रेरित कराओ और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने का भी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है, 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही, उनके पास है कि नहीं है। कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि उनके 30 मेंबर आने वाले नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सरपंच और एक्स सरपंच सभी उनके साथ है। कहता हूं सम्मेलन करेंगे उसके बाद बात करेंगे कितने उनके साथ और कितने हमारे साथ। आपसे कितने जेजेपी के विधायक मिले हैं आपको पता ही है? 3 या 4। आपको पता ही है मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, लगभग 6 विधायकों को मान के चलता हूँ हमारे साथ।